मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नित्यानंद सिन्हा आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 8 का क्रैश कोर्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वीडियो भेज रहा हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड मेन टॉपिक को मैं पहले डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इन लीनियर इक्वेशन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज वन। कोई भी इक्वेशन तब होता है जब उसमें एल्जेब्रिकल टर्म और अर्थमेटिकल टर्म का कम्बिनेशन होता है। तो वेरिएबल जो होता है एल्जेब्रिकल टर्म होता है, डेट मीन्स अल्फाबेट। तो किसी भी टर्म में अल्फाबेट का हाईएस्ट पावर जो होगा वन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 के साथ x है जिसका पावर 1 है, यहाँ 3 के साथ x है जिसका पावर 1 है। अगर 1 छोड़कर कोई पावर होगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब एग्जांपल में देखिए, 5x प्लस 6 है इक्वल टू 3x प्लस 6 है। इसमें इक्वल के लेफ्ट साइड जो है एरो द्वारा दिखाया गया है, इसको हम LHS कहते हैं, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और इसके राइट साइड में जो है जिसको एरो द्वारा दिखाया गया है, इसको हम RHS कहते हैं, डेट मीन्स राइट हैंड साइड। अब कुछ रूल्स होते हैं ट्रांसपोजिशन का, कि एक तरफ से दूसरे तरफ, एक साइड से दूसरे साइड में अगर हम किसी वेरिएबल को या नॉन वेरिएबल को, कांस्टेंट टर्म को हम ले जाते हैं, तो उसमें चेंजिंग कैसे आता है। फर्स्ट है कि अगर माइनस को हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस को हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, अगर इनटू को हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में हम लाएंगे तो सेम रूल को फॉलो करते हैं। अब इस एग्जांपल का सोल्यूशन देखिए। ये एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, चूंकि हाईएस्ट वेरिएबल डिग्री जो है 1 है। तो यहाँ पर 5x प्लस 6 है इक्वल टू 3x प्लस 6। तो जितने भी वेरिएबल है उसको एक साइड हम करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे। तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 6। अब 3x को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 5x और यहाँ प्लस है, ये लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 6 और यहाँ प्लस 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x 2x हो गया, और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0/2 और 0/something इक्वल टू 0। अगर अब इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो है 0x का ये सही है या नहीं, तो क्वेश्चन में हम x का वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 इंटू 0 प्लस 6, x 0 है तो 5 इंटू 0 कर दिए प्लस 6 इक्वल टू 3, और x के जगह पर इंटू 0 कर दिए प्लस 6। 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इक्वल टू 3 इंटू 0 0 प्लस 6। किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रहता है, तो यहाँ भी 6 हो गया और यहाँ भी 6, यानी कि LHS और RHS दोनों साइड आपका इक्वल हो गया। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये फ्रैक्शनल है इसलिए इसको समझा रहा हूँ। 7x/2 माइनस 3/4 इक्वल टू 5x/3 माइनस 4/5। अब वेरिएबल को एक साइड में कर दिए 7x/2 और प्लस 5x/3 को लेफ्ट साइड में लिया है तो माइनस 5x/3 इक्वल टू माइनस 4/5 और माइनस 3/4 को राइट साइड में ले गया है तो प्लस 3/4 हो गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21x हो गया। 6 को 3 से डिवाइड किए 2 और 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया इक्वल टू, इसका एलसीएम 20 हो गया। 20 को 5 से डिवाइड किए तो 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 16 हो गया, और 20 को 4 से डिवाइड किए 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15। अब देखिए 21x माइनस 10x 11x बाई 6 इक्वल टू माइनस 16 प्लस 15 इक्वल टू माइनस 1 बाई 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 11 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 20 एक्स आ गया, इक्वल टू 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस 6 आ गया, तो एक्स इक्वल टू माइनस 6 बाई 220। इसको कैंसिल किए तो 2 से दोनों टर्म कैंसिल हुआ, 3 यहाँ हुआ और यहाँ 100 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 3 बाई 100। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ एक्स के जगह पर पुट करके सिंप्लीफाई करें तो दोनों पार्ट इक्वल आएगा, तभी यह सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज में लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़कर और उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 19 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ फिगर देखिए, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके ब्रेथ को हम x मान लिए हैं और लेंथ 4x है। लेट ब्रेथ वी एक्स एंड लेंथ इक्वल टू 4x। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस 2। पेरीमीटर गिवन है 19 इक्वल टू 2 और l है 4x और b है x, तो 4x प्लस एक्स। 2 से ये 90 कैंसिल हो गया 45 टाइम्स, तो 45 इक्वल टू 4x प्लस एक्स 5x, देन x इक्वल टू 45 बाई 5 9। अब यहाँ x का वैल्यू 9 आ गया, तो लेंथ इक्वल टू 4x है, तो x के जगह पर 9 पुट कर दिया, तो 4 इंटू 9 इक्वल टू 36 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 9 मीटर। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज को के क्वेश्चन को पढ़कर अच्छी तरह से समझकर और इक्वेशन का फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है सही सही ढंग से, और उसके बाद तो सोल्यूशन काफी मिल गया इसका। तो इस टॉपिक का जो वीडियो है आपको यहीं पर खत्म हो रहा है। इसके साथ साथ मैं पीडीएफ भेज रहा हूं जिसमें कुछ एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, मेन टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ये सारे पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़कर और जो होमवर्क दे रहे हैं उसको भी सॉल्व करना है और साथ साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके होमवर्क कॉपी में और रखना है, जब भी डिमांड किया जाएगा तो भेजना है। थैंक यू।